नालागढ़ भरतगढ़ मार्ग पर धपोटा स्थित एक प्रवासी व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को लुधियाना से गिरफ्तार किया, जिसे अब कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। आरोपी की पहचान मोहम्मद शानू पुत्र असलम गांव तहसील हसनगंज जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। डीएसपी लखवीर सिंह की अगुवाई टीम ने मर्डर मामले में सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार आरोपी शानू ने शराब के नशे में अपने साथी नवीन कुमार निवासी सीतामढ़ी बिहार को बीते सोमवार देर रात मारपीट करके नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद उसके ऊपर बैठकर पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एएसपी रमेश शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी शराब पीने का आदी था, जो कि अक्सर लोगों से लड़ता था। उन्होंने बताया कि डीएसपी लखवीर सिंह ने आरोपी को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। 17/10/2023 को चौकी दबोटा में सुबह सूचना मिली कि किसी व्यक्ति की लाश दबोटा चौकी से कोई 200 मीटर पीछे सड़क के साथ पेट्रोल पंप के नज़दीक नाले में पड़ी है, सड़क के करीब, जिस पर दबोटा चौकी का स्टाफ प्रभारी थाना मौका पर गए और मौका पर जो देखा कि एक युवक की जो लाश वहां पर पड़ी है, जिसके सिर पर कुछ चोटों के निशान भी थे, और स्थानीय लोगों को जब वहां बुलाया गया तो उस युवक की जो पहचान है नवीन दास, जो कि सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और दबोटा क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, के रूप में हुई। मौका की कार्रवाई करके लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ हॉस्पिटल भेजा गया। मौका पर उपमंडल अधिकारी लखवीर सिंह और मैं और एसएसपी साहब भी आए और मौका का निरीक्षण किया। सभी आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और इसके लिए तुरंत जो है डीएसपी लखवीर सिंह के नेतृत्व में एसएसपी साहब द्वारा एक विशेष दल का गठन किया गया और इसमें 2-3 टीमें जो बनाई गई, जिसमें सीसीटीवी, साइबर क्राइम और प्रभारी थाना नालागढ़ शामिल थे। इन्होंने तुरंत जो है अन्वेषण आरंभ किया और मृतक का पोस्टमार्टम जब नालागढ़ में करवाया गया तो कल जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई कि इस युवक की हत्या की गई है। और हमारी जो टीम ने है बहुत डेडिकेशन से काम किया और 24 घंटे के अंदर ही, जो कि इस आरोप में जो संलिप्त आरोपी था, उसको पंजाब के लुधियाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इस युवक का नाम शानू मोहम्मद है, जो कि मूलतः उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में इसका परिवार जो है वो लुधियाना पंजाब में रहता है और ये युवक भी यहाँ दबोटा क्षेत्र में, नालागढ़ क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करता था। लेकिन तफ्तीश पर अभी तक ये पाया गया है कि ये युवक शराब पीने का आदी था और शराब पीकर अक्सर ये लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था। अभी जितनी अभी तक पूछताछ और अन्वेषण किया गया है उसमें इस युवक ने ये कबूल किया है कि इसी ने जो है मृतक नवीन दास की हत्या की है और हत्या का कोई और विशेष कारण अभी तक स्पष्ट इसने नहीं बताया है। जो ये बतला रहा है उसके मुताबिक ये नशा शराब में था और उसी को लेकर इसकी मृतक के साथ कहा सुनी बहसबाजी हुई, जिससे उसने उसको मार डाला और मारने के लिए जो ये बतला रहा है कि इसने पत्थर से जो है उसके सिर पर चोट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। और जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पुष्टि हो रही है, आज हम आरोपी को माननीय अदालत में पेश करेंगे और इसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर इससे गहन पूछताछ की आवश्यकता है और जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या इसने इस तरह का कोई और अपराध भी किया है या और इस हत्या के पीछे कोई और कारण तो नहीं है, वो अन्वेषण किया जाएगा। और इस अन्वेषण का जो पर्यवेक्षण है वो डीएसपी लखवीर सिंह और प्रभारी थाना नालागढ़ इंस्पेक्टर कुलदीप शर्मा जो है वो कर रहे हैं। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो बद्दी पुलिस ने एक विशेष मुहिम
कम्युनिटी आई कि जो जिसके अंतर्गत जो है 5000 से अधिक जो कैमरे बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में लगवाए गए हैं। एक बार पुनः उसी हमारी मुहिम से ये सफलता हमें मिली कि हम आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर पाए। मेरा लोगों से भी अब भी यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक अपने घर में, दुकान में और जो भी आपका क्षेत्र है वहाँ पर CCTV कैमरे लगवाएं, ताकि पहले तो इस प्रकार की कोई वारदात ना हो, और यदि कोई वारदात घटित हो भी जाती है दुर्भाग्य से, ताकि हम तुरंत जो है उसको अन्वेषण उसका कर सकें और अपराधियों तक हम पहुंच सकें। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।